सबसे पहले से आपके माध्यम से पूरे भिवंडी शहर और पद्मनगर वासियों को और पूरे जितने भी यहाँ पे सभी भिवंडी शहर वासियों को हमारे जय हिंद परिवार की ओर से सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भिवंडी शहर के नामांत संस्था है जैन मित्र मंडल। इस जैन मित्र मंडल के अध्यक्ष हैं मोहन कोंडा। उन्हीं के नेतृत्व में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रद्धा भक्ति के साथ मार्कंडेय चौक पद्मनगर में होलिका दहन का कार्यक्रम किए हैं। जैन मित्र मंडल के युवा नेता मोनिश कोंडा ने होलिका माता का पूजन किए, उन्हीं के हाथों से होली जलाए। इस अवसर पर अध्यक्ष मोहन कोंडा उनकी धर्मपत्नी समेत पूजा पाठ किए। इस पावन होली कार्यक्रम में जैन मित्र मंडल के माजी वरिष्ठ पदाधिकारी कुंदन पुरुषोत्तम, नागेश उप्पल, मनोहर सुमका, डॉक्टर श्रीधर सुमका, वेमल गंगाधर, महेंद्र बुर्ला, मुनिंदर वासमवा आदि लोग शामिल हुए और जैन मित्र मंडल द्वारा किया गया होली का कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर अध्यक्ष मोहन कोंडा, प्रसाद बुरा, मनोज बुरला, प्रशांत बतुल, शिवा मिट्टेपल्ली, बंटी नक्का, राज रेड्डी, राकेश कस्तूरी, गणेश नक्का, श्रीनिवास श्रीगादी व आदि लोग इस कार्यक्रम के लिए विशेष मेहनत लेकर कार्यक्रम को सफल बनाए है। और हर साल की तरह यही मांगते हैं कि कोई संकट ना आए हमारे भारतवर्ष पर, पूरे दुनिया पर, जिस तरह कोविड आया है। और ये दहन का क्या महत्व है, हमारे अभी अध्यक्ष साहब ने, हमारे कुंदन अन्ना ने हमारे बताया कि ये होली का दहन क्यों किया जाता है। जो दुष्ट जो प्रदूषण है वो आना नहीं चाहिए करके हम वही प्रार्थना करते हैं और सबको अच्छा रखे, और यही हमारी प्रार्थना है। एक बार मैं सभी भारतवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ हमारे जय हिंद परिवार की तरफ से देते हैं। होलिका दहन ये कार्यक्रम जो पौराणिक कथाओं में जैसे जिस तरह विनाश को जो दुष्कृत रहते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उनका सब विनाश हो, इसके लिए हम होलिका दहन के रूप में जो भी अमानवीय है, जो भी अदृश्य शक्तियाँ है, जो भी आतंकवाद है या जो भी ऐसे भी अपने विघातक घटक है, उनका सबको विनाश करने के लिए होलिका दहन किया जाता है। तो उस प्रारूप में जैन मित्र मंडल का पिछले लगभग 40 वर्षों से जैन मित्र मंडल के तौर से होलिका दहन का कार्यक्रम किया जाता है। हर वर्ष किसी न किसी रूप में जो अपने भारत माता भारतवर्ष के ऊपर जो भी प्रकोप आते हैं, जो भी दुर्घटनाएं होती है, उनको दूर करने के लिए हम प्रार्थना करते हुए होलिका दहन का कार्यक्रम करते हैं। जैसे पिछले 2 साल हमने कोविड को भगाने के लिए कोविड का दहन हमने किया, आतंकवाद को भगाने के लिए आतंकवादी का दहन किया। इसी तरह आने वाले जो भी प्रकोप है, आने वाले हमारे भारतवर्ष के ऊपर या हिंदुस्तान के ऊपर, वो सब दूर होवे ऐसी कामना करते हुए हम ये होलिका दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के रूप में हमारे जो अभी प्रस्तुत अध्यक्ष हैं मोहन कोंडा जी, होलिका दहन के रूप में ही न होते हुए भी हर जो भी व्यवस्थाएँ रहती है, सामाजिक कार्यक्रम रहती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो सब करते रहते हैं। इसी तरह वो कार्य करते रहे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। हमें हमारे सभी कार्यकर्ताओं को ये भविष्य में शुभकामनाएं देता हूँ कि ये कार्यक्रम के रूप में लोगों में जन जागृति करने का कार्यक्रम करते रहे, ऐसी आशा करता हूँ।